हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अभी अभी मैं आपको समर कैंप की एक्टिविटी कराने आ रहा हूँ। समर कैंप की एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी क्या है कि इसमें हम स्टोन पेंटिंग कराएंगे। स्टोन पेंटिंग कैसे कराएंगे? मीन्स कि हमारे पास झील ईल में जो अंदर स्टोन होते हैं राउंड सर्कल के, सैंड स्टोन होते हैं मोस्टली, ठीक है, उसके ऊपर हम स्टोन पेंटिंग करेंगे। ठीक है, आपको मैं उसका डमी भी मैं आपको शो किए दे रहा हूँ। ये देखिए पहले से एक मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ये क्या मैं विजुअल हो रहा होगा पूरा, मतलब स्टोन की ओर पेंटिंग है। मैं 3D इफेक्ट में बिल्कुल 3D फिश बनाई है जिसमें स्टोन बनाए हैं छोटे छोटे से। तो इसी तरह से आपको मैं स्टोन की ओर पेंटिंग करना बताऊंगा कैसे की जाएगी पेंटिंग। अब बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा स्टोन सैंड स्टोन है, इसका सरफेस ये प्लेन मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बस आपका सिंपल सा जो स्टोन है उसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर ड्राइंग करने जा रहा हूँ। ड्राइंग के लिए आप सिंपल जैसे पेंसिल यूज करते हैं वैसे यूज करिए। इसके मैं यहाँ पे फिश की ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे ये फिश की ड्राइंग मैंने बनाई। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए हमारी फिश की ड्राइंग मैंने बना दी है। अब क्या करेंगे, सिंपल से डायरेक्ट इसमें हम कलर लगाएंगे। कलर के लिए पहले मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे पहले कलर के लिए यहाँ पे मैं बेस कलर येलो ले रहा हूँ। इसमें आपको मैं ये येलो कलर को डायरेक्ट में यहाँ पे इसके ऊपर आपके जो कलर्स का जो कोटेड होंगे इसमें कई बार कोट लगेंगे, सिंगल कोट में नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैंने क्या किया है, जो मेरी पूरी फिश थी उसको मैंने येलो कलर से फिल कर दिया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, काफी टाइम टेकिंग है, बट हाँ अगर आप करेंगे इस चीज अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी कैसे क्या करना है और क्लियर भी होगा आपको। स्टोन के ऊपर आपको एक नहीं दो तीन कोट करने पड़ेंगे जिससे आपका कलर अच्छे से, क्योंकि आपका स्टोन जो है कलर वो सोखेगा भी, इसलिए इसके ऊपर हम दो तीन कोट लगाएंगे कलर के। देखिए येलो कलर जैसे मेरा पूरा फिल हो गया है इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से पूरा येलो कलर लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर बाद में लगाएंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी रेड से आउटलाइनिंग करेंगे हल्की हल्की। ये देखिए ऐसे हल्की हल्की, कलर इसमें आपका ज्यादा नहीं लगेगा, बस हाँ ये है कि अगर आप अच्छे से करेंगे ध्यान से देखेंगे चीजों को तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए हल्की सी एक लाइन बनाई मैंने पूरी फिश में अपनी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हमने ये लाइन बनाई, ठीक है। पूरी इसकी आउटलाइनिंग मैंने कर दी इस तरह से, जिसे अकॉर्डिंग कर रहा हूं बस ऐसे ही करना है, ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। अब इसके बाद ये मेरे पास ये देखिए ऑरेंज कलर है, ठीक है, अब ऑरेंज कलर इसके ऊपर लगा रहा हूं। अब हल्का सा साइड में मिक्स करते हुए लाएंगे, ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से,
कैसे आपका ये जो रेड, आपने रेड से जो अंडरलाइनिंग की थी वो आपको उसी में श्रिंक हो जाएगा। इस तरह से शेड देखिए आ गया आपका, साइड साइड में डार्क है एंड सेंटर पोर्शन में थोड़ा सा हमें रेड, थोड़ा सा डार्क चाहिए ऑरेंज, तो इसमें लिया गया हल्का सा मैं रेड मिक्स कर लिया। देन इसके बाद अगेन वही चीज़ जो इससे पहले की थी, बॉर्डर से लेके दोनों साइड से बॉर्डर लेंगे एंड ब्रश मूव करेंगे देखिए ऐसे। बाद में हल्का सा वाटर लेना है, वाटर से इसको स्ट्रेस करना है। अब हल्का सा येलो लेंगे इसका सेंटर पार्ट में, क्योंकि ये फिश का जो अपर पोर्शन में फेदर होते हैं अब इसमें बाकी काम जितना भी काम रह गया है, वर्क रह गया मेरा, सब छोटे वाले ब्रश का रह गया है। मीन्स यानी कि मेरा जो 00 नंबर का ब्रश है और टोटल सारा काम वर्क इसी का रह गया है। अब इसमें वर्क कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको उसके ध्यान देने वाली है, थोड़ा थोड़ा सा कलर लीजिए, ज़्यादा कलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आराम आराम से करिए। अब जो इसके ऊपर के जो फिश के जो पैटर्न होते हैं, जो बॉडी पैटर्न, वो हम ड्रॉ करेंगे, वो भी हमारा 00 नंबर के ब्रश से ही। इस तरह से ये ऐसे अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें 3D इफेक्ट लाना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा येलो से शेड दे रहे हैं जहाँ पे इसकी टेल है फिश की। एंड येलो से जिसका सेंटर वाला बॉडी सेंटर में जो इसका फेदर होता है उसको हम यहाँ पे हमारा ये आइस पोर्शन होता है उसको हम थोड़ा कह रहे अप कर देंगे, ये बाद में भी इसको हाईलाइट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें शेड देखिए कैसे पड़ेगा, एक साइड अगर आपका डार्क है तो दूसरी साइड से आपका लाइट आएगा, तो हल्का सा देखिए डॉटेड में, चाहे तो डॉटेड में आप कर सकते हैं देखिए इस तरह से, ठीक है। अब सेम ही चीज़ में यहाँ पे हल्का सा रेड मिक्स किया, रेड से डॉट में करेंगे क्योंकि हमें इसमें लाइट एंड इफेक्ट भी दिखाने हैं हमें हमारी फिश में, तभी वो 3D इफेक्ट आ पाएगा, अदरवाइज वो आपका फ्लैट लगेगा। और 3D इफेक्ट में मोस्टली शेड का ही होता है जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग एंड स्कल्पचर या जो भी कुछ है 3D इफेक्ट आ पाता है, यानी कि 3D दिख पाता है। इस तरह से इसी में ही हल्का सा ये देखिए ऐसे अब यहां पे क्या करेंगे, हल्का सा येलो में व्हाइट मिलाएंगे क्योंकि आगे से हमें और थोड़ा सा लाइट शेड दिखाना है, जिसके लिए हम हल्का सा येलो में व्हाइट मिलाएंगे, हमें येलो का और लाइट शेड चाहिए यहाँ पे आगे।
लाइटिंग पोर्शन दिखाने के लिए। देखिए हल्के हल्के से डॉटेड रखने हैं बस, सिंपल छोटे छोटे से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से रखिएगा। केवल आपको हल्का सा ब्रश टच करना है आपके बस। एंड इसका जो फेदर का जो है ये साइड, अब मोस्टली सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है 3D ड्राइंग में, शेडो। ठीक है, देखिए अभी इतना पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। आप क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे हल्का सा ब्लैक कलर लेंगे इसकी आईज के लिए। कलर बहुत ही कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही ना के बराबर समझ लीजिए। बस ये कि आप कैसे कलर यूज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे देखिए इसकी आईज कहूंगी, वहां पे हल्का सा ये मैंने कलर तरह से, अगर आपको कलर स्प्रेड होने में प्रॉब्लम हो तो हल्का सा वाटर मिला लीजिए, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपका कलर फैल जाएगा, वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। ये हमारे फिश का ये चीज आ गया। ठीक है, अब इसके शेडो के लिए हम क्या करेंगे, शेडो लिए कुछ नहीं करना, जैसे अभी हमारे फिश बनाया है जस्ट इसी के नीचे ही हमें एक ऐसे हल्की सी, देखिए यहाँ पे ड्राइंग में कर रहा हूँ, शेडो की मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कैसे किस अकॉर्डिंग आपको शेडोज की बनानी है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये खाली हल्का सा शेप दिया है, देन इसको एंड यहाँ पे ये वाली टेल का शेडो शेडो हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा हम कलर लेंगे ब्राउन एंड ब्लैक, प्योर ब्लैक नहीं लगाएंगे, हल्का सा ये देखिए पर्शियन ब्राउन है, एंड इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे। ये हमारा ब्लैक मिक्स हो गया है, अब इसमें वाटर मिक्स करेंगे, देन इसके बाद लगाएंगे। इसमें यहाँ पे प्योर कलर नहीं लगाएंगे, जो भी आप कलर लगाएंगे प्योर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम केले क्या करेंगे, हम वाटर मिक्स कर लगाएंगे, वाटर बेस चीज है। अब इस शेडो के लिए देखिए इस तरह से पैटर्न, सेम ही चीज इधर भी, शेडो बस इसी तरह से बनना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है शेडो में। देखिए इस तरह से ये हमारा ये शेडो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो नीचे हमारे जहां पे फिश स्विमिंग करती है, तैरती है, ठीक है, स्विमिंग करती है, तो वहां पे क्या होता है स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन्स के लिए चाहे तो आप पहले ड्राइंग कर लें छोटे छोटे स्टोन्स में इस तरह से राउंड सर्कल के छोटे छोटे स्टोन्स के, आप चाहे तो पहले आप ड्राइंग कर लें, वो आपकी आप चाहे तो फ्री हैंड बना दें, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर से। देखिए जैसे मैं आप यहाँ पे देखिए फ्री हैंड एक स्टोन्स बना रहा हूँ छोटे छोटे से, ये देखिए आपको विजुअल हो रहे हैं आई थिंक, ये देखिए ऐसे मैंने पूरे में पूरा जितना मेरा ब्लैंक एरिया था उस मैंने स्टोन क्रिएट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा जो जीरो नंबर का ब्रश था उससे हम फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो मैंने कलर थे ब्राउन एंड ब्लैक कलर मिक्स किया था उसी से हम फर्स्ट हम पहले लाइंस बनाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो मैंने लाइंस बनाई थी पेंसिल से उन्हीं के हम उनको लाइंस के ऊपर अगेन ड्रॉ करेंगे इन ब्रश से, देन जो उनके स्टोन्स के जो बीच का एरिया है उसको हम ब्लैक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे शो क्यों प्योर पूरा फिल नहीं करेंगे, जैसे यहाँ मैंने कलर किया, कलर करने के बाद जो लाइंस बनाई हैं उसी को हम जो कलर को स्प्रेड करेंगे बाकी के एरिया वाटर से, जो मैंने कलर लगाया है साइड में लाइंस में उसी कलर को देखिए मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, तो वही चीज़ करना है आपको। स्टोन्स में जो आप स्टोन्स ड्रॉ करेंगे उसमें क्या जो आप कलर लगाएंगे उसी कलर को आप बाकी के स्टोन में स्प्रेड करेंगे, सेम यही चीज़ सारे स्टोन्स में ऐसी चीज़ें फॉलो होनी है। जैसे देखिए मैंने भी अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद जो मेरा साइड का जो कलर था उसी को हम वाटर से पूरे स्टोन में इस तरह से स्प्रेड कर दिए। अगर कलर सूख गया या ड्राई हो गया तो दोबारा से थोड़ा सा कलर ले सकते हैं, देन स्प्रेड इट। ये देखिए ऐसे
ये आपका ड्राई होने के बाद काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। बट हाँ, जो लाइंस बनाई उनको आप क्लियर रखिएगा तो तभी और अच्छा चीज़ें निकल के आएंगी। एंड जहाँ पे आपकी फिश है वहाँ पे थोड़ा सा चाहे तो आप डार्क कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा हाईलाइट होके आएगी आपकी फिश की ड्राइंग। इस तरह से स्टोन की शेडो है, शेडो तो आपके स्टोन्स के ऊपर पड़ेगी, बट शेडो का जो आपके स्टोन्स के जो डिवीजन है वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना, वो तो आपके वहीं के वहीं रहेंगे, शेडो आपके स्टोन के ऊपर पड़ रही है ना। तो बस सेम वही चीज़ उस पूरे स्टोन में फॉलो करनी है। ये देखिए इस तरह से किया, बाकी में मैंने ही कलर स्प्रेड कर दिया इसी तरह से पूरे में। मैं यहाँ पे फिश के साइड साइड में इसलिए डार्क कर रहा हूँ जिससे क्या होगा हमारी जो फिश है वो कंट्रास्ट ऊपर निकल के आएगी। अगर हम फिश को ऐसे ही छोड़ देते हैं साइड में हल्का हल्का छोड़ देते हैं तो हमारा स्टोन एंड फिश दोनों मिक्स हो जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, देखिए थोड़ा ड्राई हो रहा है स्टोन, हमारा स्टोन का पोर्शन जो है ड्राई हो रहा है। ठीक, तो आपको क्लियर हो रहा होगा वो चीज़ किस अकॉर्डिंग है। सेम बस वही पैटर्न करना है, राउंड शेप में आपको स्टोन कलर करने हैं एंड स्प्रेड करना है, हल्का सा कलर लगाना है, देन स्प्रेड इट वाटर विद आपकी यहां पे इसकी फिश की टेल है उसकी साइड शार्प करनी है। शार्प इसलिए करनी है क्योंकि जो हमारा स्टोन एंड फिश का जो पार्टीशन है वो अलग अलग डिवाइड विजुअल हो सके। देखिए यहाँ पे वाटर से मैंने स्प्रेड कर रहा हूँ उसी को, ये जो मैंने साइड में देखिए अंडरलाइन की थी हमारे स्टोन्स की, उसी को मैं स्प्रेड कर रहा हूँ वाटर से। देखिए इसी तरह से टाइम टेकिंग है, जैसे बस कैसे जैसे कर रहा हूँ बस उसी अकॉर्डिंग करिए, जितना कर रहा हूँ केवल उतना करिए, ज़्यादा आगे या कुछ आगे पीछे या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना ही कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा चीज़ें निकल के आएंगी। केवल जितना मैं बता रहा हूँ केवल अगर आप इतना ही हैंडल कर लेते हैं तो चीज़ें जो आप चाह रहे हैं उससे अच्छी निकल के आएंगी। इसी तरह से मैंने पूरे स्टोन मैंने जो छोटे छोटे पार्टीशन कर रखे हैं उनको देखिए यहाँ पे वाटर लिया, वाटर से हल्का सा कपड़े से क्लॉथ से पोंछा उसको, देन स्प्रेड इट ये पूरे में फैला दिया। जो हमारा बाहरी का पोर्शन है सेम उसके लिए वही चीज़, एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है, केवल जितना है उसी को अच्छे से करना है। अभी इसके बाद में क्या करेंगे, हम स्टोन्स पे हाईलाइट देंगे हल्के हल्के से। हाईलाइट क्यों, क्योंकि स्टोन में भी शाइनिंग होती है खुद की, इसलिए उसमें अभी हाईलाइट्स करेंगे। वो हाईलाइट्स के लिए क्या करेंगे, हल्का सा ब्लैक में वाइट मिलाएंगे एंड स्लेटी टचअप देंगे साइड साइड में। साइज़ से वो बहुत मैटर करती है, कुछ आप पूरे इसमें स्टोन पेंटिंग में कुछ ध्यान दीजिएगा ना दीजिएगा, बट इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा, जो साइज़ हैं वो शार्प होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए,
रफ नहीं होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपकी जो पेंटिंग की जो लाइंस हैं, जो कि फिश की जो लाइंस हैं, फिश और स्टोन्स के बीच की जो लाइंस हैं, वो रफ नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो रफ क्लियर नहीं करोगे तो आपका पेंटिंग में वो जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो इसकी लाइंस हैं, स्टोन्स की जो फिश की लाइंस हैं, और जो आप जो ब्रश से लाइंस कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, किस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, कैसे ब्रशेस हो रहे हैं, किस स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने लाइंस बनाई थी उनको देखिए, आपके जो स्टोन्स होते हैं वो सब मोस्टली क्या होते हैं, जो झील होता है झरने में, आपके जो होते हैं स्टोन्स मोस्टली राउंड होते हैं, वो ब्रेकेबल नहीं होते, वो टूटे हुए नहीं होते, वो नेचुरल बने हुए होते हैं स्टोन्स, तो इसलिए वो राउंड होते हैं, शाइनी होते हैं, वाटर वहाँ परमानेंट चलता रहता है जिसकी वजह से वो शाइनी हो जाते हैं। एंड ये ट्रांसपेरेंसी, जैसे नहीं वाटर में फिश तैर रही, कई कई की जगह पे ऐसा होता है कि आपका वाटर बहुत साफ है, और आप फिश और वाटर दोनों चीज़ें, फिश वाटर एंड स्टोन, तीनों चीज़ें आप एक साथ देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर विजुअल होती हैं आपको, स्टोन के ऊपर जो फिश तैर रही होती है, स्विम कर रही होती है, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। तो इस तरह का इफेक्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका वाटर बिल्कुल क्लियर होगा, साफ सुथरा होगा, और ये बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है वैसे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो पेंटिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं कलर, इसके लिए एक्रेलिक कलर ही होना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि आपका ये हाफ प्लास्टिक पेंट होता है, देन हाफ प्लास्टिक पेंट विद वाटर होता है, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये मैंने इसमें पूरा, अब इसके ऊपर मैं बाद में क्या, अगर मैं प्योर पानी भी चलाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कलर स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि आपके जो स्टोन ने जो कलर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए मैं पूरे पे वाटर भी अगर मैं चला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पेंटिंग नहीं खराब होगी, कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हल्का सा वाइट कलर लेंगे बिल्कुल लाइटली। अब बाकी के जो कलर हैं उनको हम पहले क्लोज कर दें, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएंगे। जिस कलर का केवल हमें यूज है, अब यहाँ पे हमारा ये 00 नंबर ब्रश हो गया। यहाँ पे आइस पे क्या करेंगे, हम लाइट्स देंगे आइस पे, हल्के से लाइट्स, कितना हल्का सा बिल्कुल वाइट से कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, देखिए यहाँ पे लाइट्स मैंने दे दी। अब यहाँ पे कहेंगे हम हल्का सा ब्लैक में ये वाइट शेड मिक्स किया। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अपना जो ये 10 नंबर का ब्रश है उसके लिए हम ये चीज़ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कि मैंने हल्का सा वाइट ब्लैक का जो हमारा पहले कलर था इसी में मैंने वाइट मिक्स किया। अब इसको वाटर से वॉश किया, देन उससे पूछा, अब एक स्टोन के एक एक साइड में देखिए किस तरह से, जहाँ जहाँ आपने स्टोन बनाया वहाँ पे वन साइड में ऐसे इस अकॉर्डिंग हल्का सा टचअप देंगे। अब एक चीज और इसमें भी रह गई है, मैं सबसे जैसे क्या होता है, कई फिश आपकी गोल्डन, ये आपकी आपको फिश ये नजर आ रही जो मैंने फिश बनाई है अभी, ये आपकी गोल्डन फिश है, ठीक है। अब इसमें गोल्डन फिश में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि डॉटेड रेड डॉटेड पैटर्न होता है उसकी बॉडी पे, ठीक है, जो रेड डॉटेड पैटर्न होता है उसकी बॉडी पे, वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सेम वही चीज़ अपना 0 नंबर ब्रश यूज करेंगे, ठीक है। अब 0 नंबर ब्रश यूज किया, देन ये इस अकॉर्डिंग हल्का सा इसमें ब्लैक, क्योंकि कोई पर्टिकुलर प्योर रेड नहीं होता है, बट हाँ शेड देने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो फिश होती है, जो उसमें गोल्डन फिश होती है, इसमें इस तरह से पैटर्न होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं रेड के, देखिए इस तरह से प्री फिश में
से हल्का सा मुझे येलो कलर लगाना पड़ेगा इसकी आईलैशेस के लिए। आईलैशेस नहीं होती हैं इसकी, बट शेडो पड़ती है जिसकी वजह से उसका जो अपर पोर्शन होता है आई का, वो जैसे कि इसमें यहाँ पे बना हुआ है सेम वही चीज़ इसके ऊपर भी मेक करेंगे आईज के ऊपर। देखिए इसे अकॉर्डिंग से रफली एक रफली पैटर्न केवल चलाना है पूरे में, ज्यादा कुछ नहीं करना है बस रफली। एंड इसकी टेल में हल्का सा जो इसका स्टार्टिंग पोर्शन है उसमें हल्का सा वर्क करेंगे, ज्यादा नहीं, लगभग मोस्टली कंप्लीट ही है, बट जितना अच्छा आप इफेक्ट दे पाओ वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप कर रहे हो, किस अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रही है आपकी जो लाइन है, जो ब्लैंक कभी आपके कोई भी आप ड्राइंग करें ना तो ब्लैंक लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए, लाइंस नज़र आए तो शेड में नज़र आनी चाहिए। ब्लैंक लाइन मतलब वो आपके ड्राइंग का 3D इफेक्ट ख़त्म कर देता है। देखिए वाटर से मैंने स्प्रेड कर दिया इसको, ये देखिए ब्लास्टिंग। और एक बार हम क्या करेंगे, जो हमारी फिश है उसको हम ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे, जहां जहां पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी लाइंस नहीं सही हैं, नहीं क्लियर हैं, उनको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहाँ पे मेरी लाइंस डिस्ट्रैक्ट हो रही है, कहाँ पे क्या हो रही है, तो हम एक बार हम फिर से अच्छे से चेक कर लेते हैं कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। जैसे लाइन यहाँ पर शार्प थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसकी तेल के पास, एंड यहाँ पे ये रिकॉर्ड इस तरह से, एंड शार्प नहीं होनी चाहिए, अच्छे से शार्प होनी चाहिए, एंड यहाँ पे टेल के पास यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे फैदर के लिए, फैदर के लिए जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो कलर कुछ ज्यादा ही मर्ज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे वाला कलर अपना यूज कर लेते हैं, कहीं पे शेडिंग इफेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए रेडी है, देखिए बिल्कुल आपको 3D इफेक्ट दे रही होगी कोई फिश जो मैंने बनाई है, जो कलरिंग की है, ठीक है। और बाकी आपको जो स्टोन से जो फिश तैरती रहती है, आपका बिल्कुल क्लीन वाटर है उसके ऊपर आपके फिश स्विम कर रही है। आई थिंक आप लोगों को क्लास इस एक्टिविटी में मज़ा आया होगा, समर कैंप में मज़ा आया होगा, जो भी ये जो कराया है बेटा बहुत ही पेशेंस से करने वाली चीज़ें, इसलिए जिस तरह से मैंने चीज़ें कराई हैं स्टेप बाय स्टेप उसी अकॉर्डिंग आप उसको कंटिन्यू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना कराया केवल उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करेंगे। ओके बाय बाय।